दादी आपकी बहू प्रज्ञा ने आलिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने हम सबको धोखा दिया है दादी। मैं कैसे बताओ दादी को, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अगर दादी ने ये बात दिल पर ले ली तो दादी ने... तू यहां है, मैं तो तेरे ही कमरे में जा रही थी। हाँ तो दादी बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने सोचा यहीं पर कर ले तो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बताना तो होगा ही, बिना बताए उसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ। हाँ बोल, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी दादी? वो पहले ये बता, प्रज्ञा से बात हुई कि नहीं, मानी कि नहीं मानी? अगर नहीं मानी तो मुझे बता, मैं बात करती हूँ, मनाती हूँ उसे। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों है? पता है मुझे पिछले एक हफ्ते से कितना काम करना पड़ रहा है तुझे। चला बैठ, बैठ यहाँ, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। क्यों मैं दादी, आपकी माली से सिर तो हल्का हो जाएगा लेकिन लेकिन दिल हल्का नहीं हो पाएगा दादी। मतलब आप उससे कोई बात नहीं करेंगे? क्यों बेटा, झगड़ा हुआ उससे? उसने कुछ कहा तुझे? नहीं दादी, कहा नहीं, उसने ऐसा कुछ किया है जो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता। क्या किया दादी? पहले आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि जो मैं कहूंगा उस बारे में आप दिमाग से सोचेंगी और उसे दिल पे नहीं लेगी। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दादी, हम सबके साथ धोखा हुआ है दादी, और वो धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि आपकी बहू है। तू किसकी बात कर रहा है बेटा? दादी प्रज्ञा की, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उसने ना सिर्फ आपका बल्कि हम सबका भरोसा तोड़ दिया दादी। दादी मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं ना वो मैं आपके बिना नहीं कर सकता दादी। मैंने अपना फैसला कर लिया है दादी, अब आपको भी हिम्मत करनी होगी। कैसा धोखा किया बेटा? दादी प्रज्ञा ने ही पूरब को शादी के मंडप से भगाया दादी। पूरब प्रज्ञा की बहन पुलपुल से प्यार करता है और अपनी बहन की खुशी के लिए उसने उसने मेरी बहन की सारी खुशियां छीन ली दादी। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। नहीं दादी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उल्टा मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई है दादी। हमें लगता था कि प्रज्ञा हम सबको अपना परिवार मानती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है दादी। उसके लिए सिर्फ उसी की फैमिली मायने रखती है दादी, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब मुझे पता चला कि पूरब कहाँ पर है, मैं पूरब से मिलने वहां पर गया था और वहां मैंने प्रज्ञा को देखा दादी। वो वहां अपनी बहन पुलपुल के साथ थी। वो पुलपुल और पूरब की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन जब मैं पहुंचा तो उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया दादी। मैंने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन प्रज्ञा ने मुझे रोका। वो जानती थी कि पूरब उसकी बहन बुलबुल से प्यार करता है, लेकिन ये बात उसने जान पूछ कर हम सबसे छुपा के रखी। अगर वो बता देती तो हम आलिया की शादी पूरब से नहीं करवाते ना दादी। लेकिन ना ना प्रज्ञा ने ना पूरब ने किसी ने हमसे कुछ नहीं बताया कि उसकी नीयत ही खराब है, इसलिए वो पूरब से मिलने वहां अकेले गई थी। अब आप ही बताइए दादी, जो लड़की अपनी बहन की खुशी के लिए हम सबकी इंसल्ट कर सकती है, वो खुद की खुशी के लिए क्या नहीं कर सकती दादी? दादी I'm sorry, दादी sorry, लेकिन प्लीज पूरा मत मानना, आपकी पसंद और आपका फैसला गलत था दादी। वो इस घर में तो क्या, किसी भी घर में रहने के लायक नहीं है वो दादी। दादी मैं उसके साथ नहीं रह सकता दादी, मैं नहीं रह सकता उसके साथ।
मैं जब भी उसका चेहरा देखूंगा तो मुझे वो दिया हुआ धोखा याद आएगा दादी। और एक एक पल के लिए मैं शायद आलिया को दिया हुआ धोखा भी भूल सकता हूँ, लेकिन उसने जो धोखा आपको दिया है ना दादी, मैं वो नहीं भूल सकता दादी। दादी अगर अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि उसे इस घर में रहना चाहिए, तो वो आपका फैसला है दादी। मैं उसमें कुछ नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता दादी। अब ये आपको फैसला लेना है कि आप किसका साथ दोगे, निभाऊ का या अपने पोते पोती का। I'm sorry दादी, मैंने आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। दादी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो दादी। I'm sorry दादी। सॉरी बॉस, आपको भी उसी के साथ जाना होगा। अब गलती तो आपकी भी है। क्यों देते हो उसे इतनी छोटी उम्मीदें जो पूरी नहीं होती, और फिर उसके लिए वो गलत कदम उठाती है। आपकी तो परम भक्त है ना वो, इसलिए आप तो उसे कोई सजा दोगे नहीं। इसलिए ये काम तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। आप में हिम्मत है तो रोक लो। मैं चाहती थी कि आप यही पहने मेहंदी के फंक्शन में। पता है ये मेरी फेवरेट थी, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही ना ये तुम्हारी तरह बेरंग हो गई है। अब मैं इसे नहीं पहन सकता। मिताली चाय ला दो, मिताली कॉफी ला दो, उनके साथ साथ मुझे भी जागना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम महेश है। आप, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन आपकी दादी जी मुझे पहचानती हैं। दरअसल दादी जी और मेरी फैमिली काफी साल पहले पड़ोसी थे, नेबर्स। अच्छा अच्छा, लेकिन ना दादी जी तो सो आप ऐसा कीजिए ना, आपको जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं ना दादी जी की फेवरेट बहू हूँ, मैं उन्हें बता दूंगी। मेरा भाई आने वाला है 16 सितंबर को। भाई आने वाले मतलब कहीं और से आने वाले हैं? कहाँ से आने वाले हैं? वो बहुत दूर से आ रहा है आंटी, और हम उसी का इनविटेशन देने आए हैं। ये मेरी बेटी है दर्पण, और गनु साहब इसके लिए भाई लेकर आ रहे हैं। अरे मतलब गुड न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हाँ गनु साहब, अरे अरे नमस्ते गनु साहब, थैंक यू। आप मेरे भाई से मिलने आएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, और आपके भाई के लिए ना ढेर सारे तोहफे भी लाएंगे। और हाँ, दादी जी से जरूर कहिए पूरे परिवार के साथ है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जरूर कह दूंगी, हम सब लोग आएंगे। चले अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत लोगों को इनविटेशन देना। नमस्ते। नमस्ते आंटी, भूलना मत 16 सितंबर। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी, 16 सितंबर।
पूरब हम जहाँ कर रहे? मुंबई। झूठ बोल रहे हो ना तुम, ये रास्ता मुंबई की तरफ नहीं जाता, ये रास्ता नासिक की तरफ जा रहा है। हाँ बोलो ना, हम नासिक जा रहे हैं। वैसे भी मुंबई जाके करना क्या, अब हमारे लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा। नासिक जाके वहीं शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे। आर यू मैड पूरब, पागल हो गए हो तुम? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें शादी की पड़ी है? सीरियसली मुंबई में तुम्हारा कोई नहीं होगा, लेकिन मेरी पूरी फैमिली रहती है, मेरी माँ है, मेरी दी है, मेरी दादी है, और मेरे लिए वो सब कुछ है। मुंबई गाड़ी लो, मुझे जाना है कि दी इस वक्त कैसी होगी, जल्दी से घुमाओ गाड़ी। लेकिन कुछ नहीं पूरब, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने गाड़ी नहीं घुमाई ना तो मैं चिल्लाऊंगी ना। आई एम सीरियस पूरब। अगली यू टर्न से घुमा दो। यहाँ क्या दिखाने लगी? इतना बड़ा दरवाजा नहीं दिख रहा है तुम्हें? वैसे तो दरवाजे आने और जाने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए बना है। मतलब? वैसे तो बहुत समझदार बनती हो, लेकिन इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? अब इस घर में हम ही तुम्हें लेकर आए, तो अब इस घर से हम ही तो तुम्हें निकालेंगे ना। ये समझ लो कि तुम्हारी विदाई हो रही है इस घर से, यानी कि ससुराल से वापस मायके। अरे इतना क्या सोच रही हो? इट्स वेरी सिंपल, जाओ। सोच रही होगी कि जिस घर में मोटा हाथ मारने आई थी, उस घर से बिचारी खाली हाथ जा रही है ना? Oh yeah, actually my bad. Just excuse me for a minute. देखो प्रज्ञा, एक ना एक दिन तुम्हें जाना ही था, तो इतना सैड फेस बना के किसे दिखा रही हो? ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये लो, तुम्हारे लिए चेक। तुम इस चश्मिश को चेक दे रही हो? Relax, sweetheart. दादी कहती है ना कि जब बहू का घर में प्रवेश हो तो उसको शगुन दिया जाता है, लेकिन हम तो अच्छे घर की लड़कियां, तो मैं सोच रही हूँ इसको विदाई पे शगुन देना तो बनता है, ताकि इसकी विदाई एकदम परमानेंट हो। पूरे 101 रुपए का शगुन है आपके लिए प्रज्ञा भाभी, ये लीजिए। आई नो इसकी औकात से तो थोड़े ज्यादा है, लेकिन क्या करें, हमें भी तो फॉर्मेलिटी करनी ही है ना। अब इससे पहले कि हम धक्के मार के तुम्हें यहां से बाहर फेंके, जितनी इज्जत बची है ना उसे संभाल के यहाँ से निकल जाओ। चल। क्या इनका भी यही फैसला? अरे भाई नहीं तो हमें भेजा है यहाँ पर, क्योंकि अगर भाई यहाँ पर आते तो इतनी देर तुमसे बातें नहीं करते, सीधा धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देते। जो काम तुमने किया है तुम इसी के लायक हो प्रज्ञा। और दादी? दादी को तुम्हारा सच पता चल चुका है, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसीलिए नीचे नहीं आए, समझे तुम? Now get lost. एक मिनट प्रज्ञा, कुछ ऐसा लेके जा रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। ये मंगलसूत्र निकालो इसे। अपने हौसले इतने भी मत बढ़ाई कि आपका अपना नुकसान हो जाए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अपना रिश्ता तोड़कर नहीं। ये मंगलसूत्र मेरी पहचान है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसे उतारने का हक मैंने उन्हें भी नहीं दिया जिन्होंने ये पहनाया है, फिर आप कौन है? बस इतना याद रखिए, ये मंगलसूत्र आपके और मेरे बीच का वो फर्क है जो एक जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी मिटा नहीं सकती, इसलिए इसे छूने की भी हिम्मत मत कीजिए।
ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती तनु कि जब इसका सुहाग ही इसके साथ नहीं है तो ये इस मंगलसूत्र का क्या करेगी। तनु तुम भी ना कितनी मीन हो जाती हो कभी कभी, रहने दो ना इसका मंगलसूत्र इसके पास। पूरे वक्त में यही मंगलसूत्र बेचकर तो ये बेचारी अपना गुजारा करने वाली है। जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इन रिश्तों के बारे में तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने तो अपना प्यार पाने के लिए अपने ही भाई की मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे उनसे मिलकर जाना चाहिए लेकिन क्यों, जब वही मुझसे मिलना नहीं चाहते। अगर चाहते तो आखिरी बार कम से कम मुझे देखने तो जरूर आते। दरवाजा बंद कर दो तनु, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मन बदल ले। ना, नहीं बदलेगी क्योंकि अब हमारी किस्मत बदल चुकी। फाइनली शी इज आउट एंड आई एम सुपर हैप्पी। पूरब को पकाया ना, अब मैं तुम्हें हमारे घर से पाऊंगा। जब इसकी माँ इसकी दादी और मेरी दादी से नफरत करेगी ना तो इसकी जिंदगी इसके लिए एक सजा बन जाएगी और अपनी जिंदगी से तंग आकर ये खुद सुसाइड करेगी। इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाले तुम खुद यहां से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बची कुछ इज्जत भी गवा दो। आज मेरा सपना और तेरी इच्छा दोनों पूरे हो गए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? घर गई तो मां से क्या कहूंगी, कहीं उन्हें सच पता चल गया तो। ये चश्मिश का है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई दिखाई कैसे देगी, हमने उसे घर से बाहर निकाल दी। क्या तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया? क्यों? एक बार मुझे बताया क्यों नहीं? What do you mean भाई? आपने ही तो कहा था उसे बाहर भेजने के लिए, तो फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? तो ऐसे तो नहीं that you feel for her? What rubbish? और इतनी जल्दी क्या थी उसे घर से निकालने की? एक बार दादी को तो रिएक्ट करने देती, और मैं मुझे देखना था कि उस चश्मिश को लेके दादी का क्या फैसला। Anyways, अब हम क्या कर सकते? तो क्या चाहते हो भाई? क्या आप ये चाहते हो कि अब मैं उसके घर जाकर उससे माफी मांगू, उसको बोलू कि आप प्लीज इस घर में आ जाओ प्रज्ञा भाभी, और फिर वो वापस आके वापस हमारे सर पर नाचे और वापस हमारी जिंदगी को एकदम बर्बाद कर दे? भाई क्या ये चाहते हो आप? क्या कर रहे हो भाई, क्या क्या चाहते हो आप? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। वैसे भी आज नहीं तो कल उसे इस घर से निकालना ही था, और मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। डोंट वरी, मैं दादी को हैंडल कर लूंगा। और नहीं तो क्या, अच्छे काम जितनी जल्दी कर लिए जाए उतना ही अच्छा है। वैसे भी इतने टाइम से हमारा जो बुरा टाइम चल रहा था ना, मुझे लगा वो जाएगी ही नहीं। भाई इतना बुरा टाइम तो हमने तब भी नहीं देखा था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस बहन जी की वजह से सब कुछ गलत हुआ है।
It's just a bad face for all of us. Hey, come here. I'm sorry. तुम्हारी लाइफ में पूरब को नहीं ला पाया, but I guess you deserve better. I'm really proud of you, Alia. I mean, इतने बड़े लॉस के बाद तुम इतनी जल्दी उससे बाहर आ गई. I'm really proud of you, Alia. Guys, इतने अच्छे टाइम पे इतनी सारी बातें मत करो. It's time to celebrate. Jashpreet is out and we are back in life. पता है, तुमसे अलग रह के मैंने जो कुछ मिस किया मुझे सब वापस चाहिए. और उससे पहले मुझे दादी का कॉन्फिडेंस चाहिए. मुझे उन्हें कन्विंस करना है कि अभी के लिए मुझसे अच्छी वाइफ और कोई हो नहीं सकती.